एफएक्यू स्कीमा डाटा या फिर एफएक्यू स्कीमा मार्कअप, ठीक है, इसको आप कैसे लगाओगे अपने ब्लॉगर पोस्ट पे, ये चीज क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए और इसके फायदे क्या है। ये चीज ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रही हो, आपको ना सबसे बड़ा फायदा जो होता है सर्च रिजल्ट में, आपको एक बड़ा सा मतलब सर्च पेज में आपको बड़ा सा स्पेस मिल जाता है, एंड उस स्पेस के थ्रू लोगों ने मतलब लोगों की जो रिटेंशन है आपके ब्लॉग के ऊपर जाता है, आपके आर्टिकल के ऊपर जाता है, और लोगों ने तुरंत उसके ऊपर क्लिक करता है। ये प्रूव्ड है कि अगर आपने एफएक्यू स्कीमा डाटा को ऐड करके रखा है, तो अगर आपने वहां पे शो करवा दिया, मतलब शो होता है ना, उसको सक्सेसफुली ऐड कर पाते हो, तो ये आपको बड़ा सा स्पेस देगा और उसके थ्रू आपको जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है, ऑर्गेनिक सीटीआर बढ़ता है और गूगल की नजर में आपकी साइट्स की ऑथोरिटी बिल्ड होता है और आपकी साइट जो है टॉप पे रैंक करने लगता है, ठीक है। तो इस चीज को आप जो वर्डप्रेस पे लगाने की, तो बहुत सारे प्लगइन्स है, बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि एसईओ टूल्स, रैंक मैथ के थ्रू आप इसको इजीली लगा सकते हो, बट इसको ब्लॉगर पे कैसे लगाएंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ ऑफर्स एंड ऐप्स का, ठीक है, उसका नाम तो मेरे को नहीं पता, बल काल जो है उसके साथ मेरा एक लंबा चौड़ी बातचीत हुई मेरे कमेंट सेक्शन में, उन्होंने बोला कि भाई मैंने पहली बार ट्राई किया था, मेरा यहाँ पे यूरो डर रहा है, तो उसके ऊपर एक कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो लाइए, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो लाया हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉगर के ऊपर उसको लगा सकते हो, एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये चीजें काम कर रहा है या फिर नहीं, और उसके बाद बहुत सारे एफएक्यूज है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना है और आपकी अथॉरिटीज बिल्ड करना है पेज की या फिर आपकी साइट्स की, तो इस वीडियो के साथ कंप्लीट बन रही है, एंड तक जरूर देखते रहिए। सर्च इंजन इस चीज को डेफिनेटली समझ लेता है कि आपके अंदर एफएक्यू लगा हुआ है, अगर आपने उसको सक्सेसफुली लगा पाते हो, तो सर्च इंजन जो है बहुत सारे ऐसे क्वेरीज, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड की जवाब में आप ही की पेज को, आप ही की पोस्ट को शो करवाएगा, ताकि उसमें एफएक्यू लगा हुआ है, तो इससे एक प्रायोरिटी मिलता है कि कोई भी क्वेरीज के जवाब में अगर आपने एफएक्यू लगा के रखे है, जिन क्वेरीज के ऊपर आपने ब्लॉग लिखे हो, तो आप ही के रिजल्ट को शो करवाता है गूगल ने, ठीक है। तो चलिए इसको लगाएंगे कैसे ब्लॉगर पे, सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने ब्लॉगर साइट को ओपन कर लिया हूं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो भी एफएक्यू है, जो भी आपकी सवाल जवाब है, उसको मतलब आपकी पोस्ट के जो रिगार्डिंग सवाल जवाब है उसको आपको लिख लेना है, चाहे आप पोस्ट लिखते लिखते आप एंड में उसको लिख सकते हो, या फिर मैंने यहां पे आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे नोट पैड पे उसको लिख के रखा हूं, ठीक है। तो यहां से कॉपी करने की मतलब पूरा मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आपको चीजें कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सैम सोरेन नाम का मेरा एक भाई है, जिन्होंने मेरे को कमेंट कर रहा था कि भाई आपने झूठ बोलते हो कि आपने जो है मोबाइल से इस चीज को नहीं करते हो, आपके पास डीएसएलआर है, आप वीडियो शूट करते हो। तो भाई कह दूं कि मेरे पास डीएसएलआर भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, ये मेरा जो है मोबाइल के ऊपर मैंने एक कंप्यूटर डेस्कटॉप को ओपन करके रखा हूं, वो भी कैसे मतलब आपको पता चल जाएगा जब मैं यहां पे कुछ कीवर्ड डालूंगा, क्योंकि यहां पे मेरा यहां पे देख सकते हो कि मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, यहां पे कुछ इस प्रकार से मेरे को कीवर्ड मतलब कीपैड को लाना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर से जो है ब्लॉगर पोस्ट के ऊपर हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो कि मैंने इस पोस्ट के ऊपर उस एफएक्यू को लगाने की कोशिश करूंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये लगता है कैसे, ठीक है, मतलब कि आप लोग इसको कैसे लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो ब्लॉग पोस्ट को ओपन कर लेना है, या फिर आपने पोस्ट लिख रही हो तो आपको एकदम एंड में आ जाना है, ठीक है, तो इस पोस्ट के एकदम एंड में। तो ये वाला नहीं है, मतलब इसके ऊपर मैंने लगा के रखा था, तो मैंने एक दूसरी पोस्ट पे लगा के आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फेसबुक डोंट शो मी ऑनलाइन, ये एक पोस्ट मैंने लिखी थी काफ़ी दिन पहले, तो इसके नीचे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम, और यहाँ पे देख सकते हो कि थैंक यू धन्यवाद के बाद कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद देखिए आप मेरे को कीबोर्ड को लाना पड़ता है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं इस कीवर्ड को मतलब नीचे वाला एंटर कीवर्ड को पेस्ट करूँगा, एंड पेस्ट करने के बाद मैं इसको पेस्ट, तो मैंने एक चीज़ को कॉपी की थी, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। आप देखिए यहाँ पे यू आर ए डिजिटल मार्केटर, यस, मतलब सारा कुछ मैंने थोड़ी, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, बट एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिखा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पेज में, एक नया पेज में आपको लिखना है एफएक्यू पेज स्कीमा जनरेटर। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि चीज़ें आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एफएक्यू पेज स्कीमा जनरेटर लिखने के बाद ये जो साइट आता है SAJ, मतलब जो भी है साइट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो सीधे जा सकते हो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे FAQ क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सवाल का ऑप्शन है, मतलब FAQ का यहाँ पे क्वेश्चन है और नीचे आंसर है। मैं पेज को थोड़ा सा और भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ना एक एक करके सवाल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ मेरे दोबारा से, यहाँ से मैं चलता हूँ, चाहे मैं नोट्स पैड के ऊपर भी जा सकता हूँ या फिर मैं मेरे पोस्ट के ऊपर भी जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे नोट पैड के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ से आप चाहे तो 1, 2, 3 करके नंबरिंग भी दे सकते हो, बट जब आप सवाल जवाब डालेंगे तो ये नंबर को आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसको कॉपी करना है,
एंड आपको लेके जाना है उस साइट के ऊपर, और यहाँ पे जो क्वेश्चन वन है इसके ऊपर आपको रखना है एंड इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। अब आपको आंसर भी यहाँ पे जोड़ना है, तो आंसर आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट इसको लिख को भी जोड़ सकते हो, जो भी आप चीजें वहाँ पे लिखा है आपको यहाँ पे भी लिखना है, या फिर आप चाहे तो यहाँ से इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद वहाँ पे हम लोगों को जेनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया हूँ दोबारा से, और दोबारा से चलता हूँ वही साइट के ऊपर और आंसर शीट के ऊपर मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और जैसे आपका एक सवाल और एक जवाब जुड़ जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड अनदर एफएक्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो एक नया टैब आएगा, नया ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 सवाल जोड़ दिया हूँ, और आप भी 5-6 जितने सवाल जोड़ सकते हो जोड़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जेसन एलडी एफएक्यू स्कीमा कोड जेनरेट हो चुका है। गूगल भी इसको रेकमेंड करता है कि आपको जेसन एलडी एफएक्यू स्कीमा कोड ही जेनरेट करना है, ठीक है। अब आप नीचे देखिए बहुत कुछ ऑप्शन है, बट आपको कुछ भी ऑप्शन के साथ छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कॉपी एफएक्यू स्कीमा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये जो स्कीमा डेटा यहाँ पे रेडी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मतलब क्लिपबोर्ड पे ये कॉपी हो चुका है। इसके बाद आपको आना है आपकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, उन पोस्ट के ऊपर जिन पोस्ट के ऊपर आप एफएक्यू लगाना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहां पे कुछ इस प्रकार से ये तो लग चुका है। अब आपको क्या करना है, यहां पे लेफ्ट साइड में जो पेन का निशान है यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे देख सकते हैं कि कंपोज व्यू है एंड एचटीएमएल व्यू है, तो आपको एचटीएमएल व्यू के ऊपर जाना है, और जाने के बाद एकदम नीचे आ जाना है, ठीक है। तो जहां पे यहां मतलब जहां से ये चीज देख सकते हो कि क्लोज हो रही है, div उसके बाद क्लोज हो रहा है, यहीं पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है वो चीज़ें जो आपने अभी अभी कॉपी किए हो, मतलब जो जेसन एलडी फाइल हम लोगों ने कॉपी की है उस साइट से, ठीक है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, और एंड में यहाँ पे देख सकते हो कि एफएक्यू कोड जेनरेट बाई ये वेबसाइट का नाम आ रहा है। आप चाहे तो इसको रहने दीजिए, या फिर आप चाहे तो इसको काट भी कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो ये कलर का चीज़ है इसको आप काट भी कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, या चाहे तो इसको रखने दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने हैं, या फिर आपने नए नए पोस्ट एकदम शुरू से डाल रहे हो तो आपने यहाँ पे जो है पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे पब्लिश बटन दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि एचटीएमएल के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है और कंपोज व्यू के ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो मैंने जो है हम लोगों की जो राइटिंग पेज है वहाँ पे आके, मतलब जो जहाँ से हम लोग पोस्ट लिखते हैं वहाँ पे आके मेरे को लर्न करवाएगा, और नीचे मेरा यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एफएक्यू लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को अपडेट भी कर दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, इस पेज को एक बार कर देना है रिफ्रेश, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद आपको चीज़ें कुछ करना है आपके साथ, मतलब आपकी जो साइट है उसकी डोमेन नेम को आपको देके एक नया टैब में सर्च कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे साइट का जो डोमेन नेम है उसको यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे डोमेन नेम को लिखा हूँ arooponline.blogspot.com, ये मेरा डेमो साइट है, मैंने पूरा मतलब पहले ही मैंने इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है इसको सर्च के ऊपर कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे मतलब जो साइट है यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। मतलब कि आपको उसी पोस्ट की जो पोस्ट आपने अभी किए हो उस पोस्ट की लिंक को आपको जेनरेट करना है। तो हम लोगों ने कहाँ पे मतलब इस चीज़ को लगाए थे, हम लोगों ने इस चीज़ को लगाए थे फेसबुक वाली जो पोस्ट था उसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने फेसबुक वाली पोस्ट के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से जो है हम लोगों ने इसकी लिंक को कॉपी करेंगे, ये रहा इसका पूरा लिंक। कॉपी करने के बाद आपको एक नया टैब पे जाना है, और जाने के बाद आपको एक चीज़ लिखनी है, क्या लिखनी है यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आपको लिखना है गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, ठीक है। तो आपको लिखना है गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल। जैसे आप इसके ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे आपका पहला जो रिजल्ट आएगा स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल बाय गूगल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एंटर यूआरएल करना है, जिस यूआरएल को हम लोगों ने कॉपी किए थे उसको यहाँ पे हम लोगों ने करेंगे पेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको रन टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब कुछ देर यहाँ पे टाइम लेता है, और लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि डिटेक्ट क्या क्या डिटेक्ट हुआ है, कुछ जो भी चीज़ें डिटेक्ट हुआ है उसके साथ साथ आपको जो है एफएक्यू पेज भी डिटेक्ट हुआ है, मतलब कि सक्सेसफुली हम लोगों ने एफएक्यू पेज को वहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। और भी एक टूल आता है जिसमें जाके मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और भी एक टूल आता है जिससे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, वो है रिच रिजल्ट टेस्ट, ठीक है। इसको आपको गूगल पे लिखना है रिच रिजल्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो गूगल की तरफ से पहली वाली लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी यूआरएल को पेस्ट करके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो है सक्सेसफुली लगा है या फिर नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी मतलब लिंक को पेस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट यूआरएल के ऊपर करता हूँ क्लिक।
यहाँ पे एनालिसिस होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लेता है, मतलब आपको 4-5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड की टाइम ले सकती है। फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि पेज इज एलिजिबल फॉर रिच रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो पेज है वो रिच रिजल्ट के लिए मतलब एलिजिबल है। यहाँ पे देख सकते हो कि एफएक्यू जो है अननेम्ड आइटम, यहाँ पे एफएक्यू भी ग्रीन टिक आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एफएक्यू का जो सेक्शन है वो भी ग्रीन टिक आ रहा है। और भी एक मेन काम करना आपको बाकी रह गया, वो तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से कुछ सवाल आ सकते हैं कि क्या एफएक्यू मोबाइल रिजल्ट एंड डेस्कटॉप रिजल्ट दोनों जगह शो होगा? जी हाँ, दोनों जगह शो होता है एफएक्यूज, मतलब मोबाइल रिजल्ट पे भी शो होगा और डेस्कटॉप रिजल्ट पे भी शो होगा। अब दूसरा जो सवाल आ सकते हैं कि भाई कितना एफएक्यू शो होगा एक बार में, मतलब हम लोगों को उतना ही यहाँ पे एफएक्यू डालना है? तो भाई यहाँ पे मिनिमम जो है, मतलब मैक्सिमम जो है, 3 रिजल्ट सबसे पहले शो होता है, उसके नीचे टॉगल लिंक होता है। जैसे ही टॉगल लिंक के ऊपर किसने क्लिक करेगा तो और भी जितने एफएक्यूस आपने ऐड करके रखे हैं वो भी शो हो जाएगा। बट यहाँ पे रिकमेंडेड मैं आपको कहूंगा कि आप 5 से 6 लगाइए, उससे ज्यादा मत लगाइए, ठीक है? और सबसे जो मेन बात है, आपको मतलब रेलिवेंट एफएक्यू लगाना है। ऐसा नहीं कि उबड़ खुबड़ किसी भी मतलब अलग तरीके से एफएक्यू लगा दिया हूं तो वो काम नहीं करेगा, बल्कि आपको लेने से देने पड़ सकते, मतलब आपकी पेज की रैंकिंग घट सकती है। जी हाँ, उसके बाद सवाल आ सकती है कितना वर्ड का एफएक्यू होना चाहिए। तो भाई यहां पे सवाल तो हम लोगों को छोटा छोटा होता है और उसके जवाब में आपको वर्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ 160 मतलब 160 से 200, 160 से 200 कैरेक्टर्स के अंदर आपको सॉलिड जवाब को वहां पे लिख के रखना है, ठीक है? नेक्स्ट जो सवाल आ सकती है कि भाई ये मतलब मेरे पोस्ट में अगर मैंने एक बार इसको इंप्लीमेंट कर दिया, एक बार लगा दिया, तो हर एक कीवर्ड में, हर एक रिजल्ट में ये चीजें शो होगा? ऐसा नहीं है। गूगल की कहना है कि रेलिवेंट कीवर्ड पे, किसी किसी कीवर्ड पे जो जो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट कीवर्ड होगा, जिसके ऊपर जो है लोगों की बहुत ही सर्चेस होती है, बहुत ही लोग जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में, तो उसी कीवर्ड के ऊपर अगर आपका मतलब पोस्ट रैंक करता है ना, तो आपको वहां पे इस तरह का एफएक्यू भी शो होगा आपके पेज के साथ साथ, आपकी पोस्ट के साथ साथ, ठीक? और भी एक सवाल आ सकती है कि कैन आई यूज इमोजीज एंड स्पेशल कैरेक्टर्स? जी हाँ, अपने इमोजीज भी ऐड कर सकते हो, साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। ये भी काम में, मतलब जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर आप लगाओगे एफएक्यू के अंदर, तो ये भी शो होगा रिजल्ट पेज में, ठीक है? और जिस मेन काम की मैंने बात की थी, अगर आपने पोस्ट को एडिट किया हो, ठीक है, किसी भी प्रकार पोस्ट को एडिट करने से ये अप्लाई होता है, फिर भी अगर आपने एफएक्यू डाले हो, मतलब कि आपने पहले पोस्ट की दी कर दी थी, उसके बाद आपने जो है नए तरीके से एफएक्यू को डाले हो या फिर कुछ एडिट किया हो, तो उसको आप जो है सर्च कंसोल की इंडेक्सिंग टूल में जाके उसको रिक्रॉलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, री इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? इसको आपको डेफिनेटली करना है ताकि जल्द से जल्द दोबारा से मतलब क्रॉलिंग होगा और दोबारा से आपके जो एफएक्यू सक्सेसफुली ऐड होने के बाद लोगों के सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड में मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप रेलिवेंट एफएक्यू लगाइए, ताकि नहीं तो आपको लेने से देने पड़ सकते हैं, फिर मैं कह रहा हूं। तो चलिए, बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।